हम सभी सच्चे गुरु की खोज में जीवन भर भटकते हैं, जबकि हर बार की दिवाली हमें यही सिखाती है, जीवन में दो गुरु पर्याप्त हैं, दोनों हमारे पास है और दोनों का संबंध दीपावली से है। पहला मिट्टी का दिया और दूसरा स्वयं प्रभु श्री राम, जो अमावस के इसी काली रात में राम राज का संदेश लेकर अयोध्या लौटे थे। इस बार सिर्फ दीप जलाइए नहीं, दीप के पास जाइए और उससे गुरु मंत्र लीजिए। एक दिया हमें सिखाता है कि तुम जलोगे तो उजाला होगा। इस बार की दिवाली सिर्फ एक रात का त्योहार बनकर ना रह जाए, साल का हर दिन सुख और सफलता के उत्सव में बदल जाए, इसके लिए हमें प्रभु श्री राम से भी कुछ सीखने की जरूरत है। प्रभु श्री राम का जन्म अपने आप में एक पाठ है। भविष्यवाणी हुई थी कि कौशल्या का पुत्र अगर दिन के पहले भाग में जन्म लेगा तो संसार का सारा वैभव, यश, कीर्ति, संपदा और राजपाट सब उसके चरणों में होंगे, और दिन के दूसरे भाग में जन्म लिया तो जीवन भर कष्ट सहने होंगे, संघर्षों से जूझना होगा, परिवार का त्याग करना होगा, राजपुत्र होकर भी वनवासी की तरह रहना होगा। किंतु प्रभु श्री राम का जन्म न दिन के पहले भाग में न दूसरे मध्य में हुआ, इसलिए प्रभु श्री राम ने अद्वितीय यश कमाया। ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रभु श्री राम का संदेश था। उजाले पर उसी का अधिकार है जो खुद दिए की तरह जलने को तैयार होता है। हमारे जन्म पत्री में जन्म समय कुछ भी लिखा हो, सच यह है कि हम सबका जन्म प्रभु श्री राम की तरह दिन के मध्य में हुआ है। अगर हमें प्रभु श्री राम की तरह अप्रतिम गौरव चाहिए तो पहले प्रभु श्री राम की तरह अथक संघर्ष करना होगा। माता सीता के स्वयंवर में एक से एक योद्धा महाबली राजवंशी आए थे, सब माता सीता को अर्धांगिनी रूप में पाना चाहते थे, लेकिन शर्त ये थी कि जो भगवान शिव का धनुष उठाएगा वही माता सीता से विवाह करेगा। सब उपस्थित योद्धाओं ने अपनी मांसपेशियों का पूरा बल झोंक दिया लेकिन धनुष हिला तक नहीं। लेकिन जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो उन्होंने एक झटके में धनुष को दो टुकड़ों में तोड़ डाला। बाकी लोग भगवान शिव का धनुष क्यों नहीं तोड़ पाए कि वो ये सोचकर डर गए थे जो आज तक नहीं हुआ वो आज कैसे होगा, लेकिन प्रभु श्री राम ने कैसे तोड़ दिया। प्रभु श्री राम ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। संदेश स्पष्ट, जो अपने डर से जीत सकता है वो पूरी दुनिया से जीत सकता है। जिस दिन प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला था उसी दिन उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। ऐसी स्थिति में भी उनके मुख से मुस्कुराहट नहीं गई और जीवन के लिए उनका सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बदला। उन्होंने वनवास की सूचना अपने माँ कौशल्या को यूं सुनाई, ता दिन मोही कानन राजू जहां सब भांति मोर बर काजू। यानी माँ, पिताजी ने मुझसे अयोध्या का एक छोटा सा राज्य लेके जंगल का इतना बड़ा राज्य मुझे दे दिया है, मेरे तो सारे काम बन गए, मेरे तो भाग्य खुल गए। समय ने प्रभु श्री राम के रास्ते में जो पत्थर फेंके प्रभु ने उन्हीं पत्थरों को जोड़कर पुल बना लिया। एक पल के लिए भी वो अपने जीवन से रुष्ट ना हुए और ना ही किसी को उलाहना दिया, ना ही किसी पे कोई आरोप लगाया। हर हाल में वो मुस्कुराते रहे। ना दिन है ना रात है, ना कोई तन्हा है ना साथ है, जैसी आंखें वैसी दुनिया, बस इतनी सी बात है। सारा खेल नजरिया का ही तो है दोस्त, तो अपने नजरिया को जैसा रखता है पूरी दुनिया उसको वैसी ही दिखती है। माता केकई ने प्रभु श्री राम से सिंहासन तो छीन लिया लेकिन उनके पुत्र भरत कभी अयोध्या के सिंहासन पर बैठे ही नहीं। भरत जंगल गए और प्रभु श्री राम की खरहू उठा लाए, वही खरहू अयोध्या के सिंहासन पर रख के भरत राजपाट चलाते रहे। 14 वर्षों तक पृथ्वी के एक परम वैभवशाली राज्य पर किसी राजा ने नहीं, भैरों की खरहू ने राज किया। ये भी प्रभु श्री राम का संदेश था। अपनी परिस्थिति से निराश मत होना, समय सबका बदलता है, बारी सबकी आती है, एक दिन साधु का भी मुकुट बन जाती है। प्रभु श्री राम से सीखने के लिए एक जीवन बहुत कम है, लेकिन हमने प्रभु श्री राम का एक गुण भी अपने अंदर उतार लिया तो इस बार दिवाली आएगी जरूर लेकिन जाएगी नहीं, हमारे अंग में हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में हैप्पी दिवाली लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। लास्ट में इसी कामना के साथ वीडियो का अंत करूंगा, दिए की रोशनी से सब अंधेरे दूर हो जाए। हुआ है जो चाहो आप वो खुशी मंजूर हो जाए। हैप्पी दिवाली।